हेलो स्टूडेंट्स, बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल ईयर के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, और उसमें हमारी यूनिट थर्ड का रिवीजन चल रहा है कि यूनिट थर्ड के अंदर हम किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से क्या करना है। एक क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था यूनिट थर्ड के लिए कि जो सेल मॉडल है, सेल मॉडल के अंदर एक सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेज फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सेल मॉडल। सेल मॉडल के एग्जिस्टेंस के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या क्या है, तो वो हमने पढ़ लिए थे। चार या पांच एग्जिस्टेंस थे। फिर उसके बाद एक छोटा क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज सेल मॉडल, सेल मॉडल क्या है। तो सेल मॉडल के लिए भी हमने बता दिया था कि सेल मॉडल क्या है, एम जी मौर्या गोपिता मेयर नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, डिस्कवर किया गया, और इसको मॉडिफाई किया गया था हेक्सन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने सेल मॉडल के अंदर वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मोमेंट, ग्राउंड स्टेट ऑफ स्पिन एंड पैरिटी निकालना सीखते हैं। तो अब सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा कि हाउ टू डिटरमाइन, क्या है भाई, हाउ टू डिटरमाइन। मैजिक नंबर के बारे में तो हमने सेल मॉडल के अंदर क्या पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैजिक नंबर, और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हाउ टू डिटरमाइन ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी, कि जो सेल मॉडल है, सेल मॉडल के अंदर हम ग्राउंड स्टेट स्पिन और पैरिटी को पढ़ते हैं, वो ग्राउंड स्टेट स्पिन और पैरिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। उससे पहले एक अच्छा क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ मैजिक नंबर्स, या फिर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन हाउ मैजिक नंबर्स आर डिड्यूस्ड, या फिर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ मैजिक नंबर कंपेयर द मैजिक नंबर ऑब्टेन एन अज्यूमिंग, कि मैजिक नंबर्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है 10 नंबर के अंदर कि मैजिक नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड है उस मेथड को बताना है, या फिर हाउ डिड्यूस मैजिक नंबर, मैजिक नंबर्स को किस तरीके से फाइंड आउट किया गया उसके बारे में, तो हमें 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, देयर आर फॉलोइंग 3 मेथड्स टू ऑब्टेनिंग द मैजिक नंबर, कि मैजिक नंबर्स को ऑब्टेन करने के 3 मेथड हैं। अब 3 मेथड कौन कौन से हैं, नंबर 1 पे है मेरा इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, अनंत वर्ग विभव कूप। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के अंदर जो मैजिक नंबर्स फाइंड आउट होंगे सॉरी भाई, जो मैजिक नंबर्स फाइंड आउट होंगे वो मैजिक नंबर्स होंगे हमारे 2, 8, 20 और मैक्सिमम 28। ये 4 मैजिक नंबर्स फाइंड आउट होंगे इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल के द्वारा। तो जो मेन मेथड है, या फिर हम लिखते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसको नहीं लिखते हैं बट हमें डिटेल के अंदर तो नहीं बताना है कि किस तरीके से इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल मेथड से 4 मैजिक नंबर्स फाइंड आउट हुए। हमें इसको शॉर्ट के अंदर लिखना होगा कि जो इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल मेथड है मेरा, उस मेथड से हमें ओनली 4 मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28 फाइंड आउट होते हैं। सो दिस मेथड इज नॉट, मतलब इस मेथड को हम डिटेल के अंदर यूज नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा मेथड आता है मेरा, कौन सा आ गया अपना,
सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल मेथड। सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल मेथड के अंदर भी क्या होता है, ओनली 4 मैजिक नंबर्स फाइंड आउट होते हैं। कौन कौन से? 2, 8, 20, 28। 4 मैजिक नंबर्स फाइंड आउट होते हैं, 2, 8, 20, 28। अब 2, 8, 20, 28 हमें फाइंड आउट होते हैं, तो यहाँ भी ये मैजिक नंबर भी, इसको भी हम डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे, ओनली लिखेंगे कि इस मेथड के द्वारा ओनली 4 मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28 ही फाइंड आउट होते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक वो मेथड तो हमने कहाँ पढ़ रखा है, बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल वेल होती है, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या होता है, सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे जो है सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल मेथड है n+2, इससे एनर्जी किस और कैसे फाइंड आउट करेंगे। एनर्जी दी जाती है e=n+2h cut ओमेगा। किससे दी जाती है इसकी एनर्जी, n+2h cut ओमेगा के द्वारा इसकी एनर्जी दी जाती है। तो n+2h cut ओमेगा के द्वारा n=0, 1, 2, 3 h cut ओमेगा, 3/2 h cut ओमेगा, 5/2, 7/2 डैश डैश करके एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड स्टेट की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट मेथड और जो हमें एक्सप्लेन करना होता है क्या है भाई, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल मेथड विद LS कपलिंग, एक करेक्शन, और इसको लिख सकते हैं स्पिन ऑर्बिट पोटेंशियल। मतलब सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल विद LS कपलिंग, कि LS कपलिंग के द्वारा सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो इसको हम याद यूज करने से पहले लिखेंगे, समझेंगे कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर = L वेक्टर + L वेक्टर, टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर = ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर + स्पिन एंगुलर मोमेंटम S वेक्टर होता है। अब इसको हमने शॉर्ट में S बराबर क्या होता है, स्पिन, और स्पिन की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और अप और डाउन दो प्रकार की होती है स्पिन। तो स्पिन अप के लिए S=1/2, स्पिन डाउन के लिए S = -1/2, तो J = L + -1/2 होता है। तो इसको अब आगे किस तरीके से लिखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल विद LS कपलिंग क्या है, यह है, ये है, या फिर इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को आपको इस फॉर्म के अंदर ना पूछ के कि हाउ टू डिड्यूस मैजिक नंबर्स या कौन कौन से मेथड है मैजिक नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए, उन मैजिक नंबर में लिख सकता है एक्सप्लेन हाउ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन हेल्प टू रिप्रोड्यूस द मैजिक नंबर, लिस्टेड योर आंसर बाय ड्रॉइंग द एनर्जी लेवल डायग्राम सॉल्विंग सीक्वेंस ऑफ कॉन्फिगरेशन। या तो इस टाइप के अंदर आपको लिखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर में मैजिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो भी हमें डिटेल के अंदर कौन सा मेथड बताना है, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल मेथड विद LS कपलिंग, और अब भी क्या बताना है, सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल मेथड विद LS कपलिंग बताना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दूसरे तरीके से पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन
हाउ द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टू रिड्यूस मैजिक नंबर्स, स्टेट योर आंसर बाय ड्रॉइंग द एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको समझना कि अब तक आपने जो दो मेथड निकाले हैं इसका मतलब क्या है। एक्सप्लेन हाउ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टू रिड्यूस द मैजिक नंबर, मैजिक नंबर्स को किस तरीके से दोबारा फाइंड आउट किया जाता है तीसरे मेथड के द्वारा। सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल विद एलएस कपलिंग और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के द्वारा किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो है। और इसको हमें किसके द्वारा बताना है, एनर्जी लेवल डायग्राम के द्वारा बताना है। अब या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है। अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछता है तो हम सभी को एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। एनर्जी लेवल डायग्राम मेरा एन बराबर या फिर लैम्डा बराबर 0, 1, 2, 3 करके, और हमें कौन कौन से मैजिक नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। मतलब लैम्डा बराबर 0, 1, 2, 3 करके जब तक मैजिक नंबर की संख्या 126 नहीं आ जाए तब तक हम इसको सोल्व करते रहेंगे। और इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे भाई, इसको समझना एक बार है। अच्छा क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन डाल के इसको लिखेंगे, टू ऑब्टेन हायर मैजिक नंबर, यानी कि अब तक तो कौन कौन से मैजिक नंबर फाइंड आउट कर लिए थे हमने, 2, 8, 20 और दूसरे के द्वारा 28 भी आ गया था, लेकिन 50, 82, 126 है वो हायर मैजिक नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेंशियल मेथड विद एलएस कपलिंग यूज करेंगे। तो उसके लिए मेयर और हेक्सल और मेयर हेक्सल एंड सुइज सजेस्टेड दैट ए नॉन सेंट्रल कंपोनेंट, एक नॉन सेंट्रल कंपोनेंट, सेंट्रल और नॉन सेंट्रल फोर्स हमने पढ़ रखे हैं, किसका फंक्शन हो वो आर वेक्टर वेलोसिटी का फंक्शन हो, दूसरा क्या हो उसका फंक्शन नहीं हो। तो यहाँ पे है एक नॉन सेंट्रल कंपोनेंट शुड बी इंड्यूस्ड इन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस, कि जो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट है फोर्स का वो किसी भी न्यूक्लियन के अंदर, न्यूक्लियन क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और न्यूक्लियंस कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं भाई, न्यूक्लियंस न्यूक्लियस के अंदर स्थित होते हैं। तो वो जो नॉन सेंट्रल कंपोनेंट होगा फोर्स का वो कहाँ पे लगेगा, वो लगेगा न्यूक्लियस के अंदर किसी भी न्यूक्लियन पेयर या सिंगल न्यूक्लियन के ऊपर। इट इज कोरस्पोंडिंग टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एलएस कपलिंग किसके रेस्पेक्ट आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बीच आएगा। ठीक है भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कैपिटल एल वेक्टर और कैपिटल एस वेक्टर। फिर है वहाँ पे द मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या है द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ड्यू टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विद स्पिन, क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे दो टर्म होंगी, क्या क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसके कोरस्पोंडिंग तो क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट किसके कोरस्पोंडिंग होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के। यानी कि इसको किस तरीके से लिखेंगे,
इफ बी वेक्टर इज ऑर्बिटल मोशन एंड एम एस इज द मैग्नेटिक वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट, और बी वेक्टर किसके अकॉर्डिंग होगा, बी वेक्टर इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू एल और एम एस प्रोपोर्शनल टू एस वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम को समझना भी कि एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए क्या करेंगे, जे बराबर वेयर कैपिटल स्मॉल एस और एल डिनोट द स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या लिखा है बता दिया वहाँ पे कि जो एल है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहा है और जो एस है वो एंगुलर मोमेंटम को डिनोट कर रहा है। हमें क्या बताना है, एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एक बार एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना सीखना, इस तरीके से लैम्डा बराबर जीरो से। अब उससे पहले एक बार हमें ये देखना होगा, इसको समझना है। जे बराबर एल प्लस माइनस हाफ, जे बराबर एल प्लस माइनस हाफ, जहाँ पे एल क्या है, सबसेल नंबर एस पी डी एफ जी। एक बार आज की क्लास में तो हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाने के लिए हम जानते हैं कि J बराबर L प्लस माइनस हाफ होता है, जहाँ पे L होता है सबसेल नंबर 0, 1, 2, 3 डैश डैश करके, ठीक है। अब जब फर्स्ट सबसेल की बात करेंगे, अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू मैजिक नंबर की नंबर बढ़ता जाएगा, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, सबसेल नंबर भी इंक्रीज होगा। और सबसेल नंबर इंक्रीज होगा तो वहाँ पे मिक्सिंग होगी। अब मिक्सिंग के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक के द्वारा हम क्या पढ़ते हैं, मैजिक नंबर्स को फाइंड आउट करना। तो पहले तो एक बार ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखना, जे को एस सबसेल के लिए क्या होगा, जे इक्वल्स टू 1/2। अब जो एनर्जी लेवल है इसकी क्या स्प्लिटिंग होगी, क्या ये विपाटित होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एस की वैल्यू जीरो है। अगर यहाँ पे एल की वैल्यू जीरो, अगर यहाँ पे एल की वैल्यू वन होती तो जे बराबर क्या आता, 1 + 1/2, 1 - 1/2, यानी कि 1/2 और 3/2 दो वैल्यू आती। और सबसेल कौन सा होता, एल इक्वल्स टू वन के लिए पी सबसेल होता, तो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होती जे बराबर एल प्लस हाफ और जे बराबर एल माइनस हाफ, तो 1/2 और 3/2 क्या होंगे उसकी, जे की वैल्यू होंगी। तो स्प्लिटिंग के लिए इस तरीके से लिखेंगे। उसी तरीके से डी के लिए क्या होगा, एल इक्वल्स टू जे इक्वल्स टू एल प्लस हाफ एल माइनस हाफ, तो एल प्लस हाफ के लिए क्या करेंगे, 2 + 2, 2 - 1/2, 2 + 1/2, 5/2, 2 - 1/2, 3/2। इस तरीके से एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग होगी बता देंगे। अब उसके बाद एक ट्रिक और आती है, हम पहले उस ट्रिक को समझ लेते हैं फिर एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाएंगे। ट्रिक होती है, सभी को याद रखना है, 11 / 12 + 1 = 31। समझना भी, 11 / 12 = 31। अब इस 12 की पावर को 2 + 1 लिखने का मतलब क्या है मेरा,
इस 12 की पावर को मैं 3 भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने क्या लिखा, 2 + 1 लिखा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है भाई, यहाँ पे इस 2 है, इसके अंदर होगा मिक्सिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। जो एनर्जी के लेवल होंगे, उन एनर्जी के लेवल्स की मिक्सिंग होगी, उनकी मिक्सिंग होगी। और मिक्सिंग यहाँ पे किस तरीके से होगी, इसको हम लिखेंगे। 11 को मैं क्या लिखूँगी, अब एस के लिए कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, 1s 1/2, ठीक है। 1 हो गया, 1p 3/2, 1p 1/2, 11 कंप्लीट, 1s हो गया, 1p हो गया। अब दोबारा से मेरे को 12 लिखना है, फिर 12 लिखना है, फिर 12 लिखना है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 2 12 हैं, उन 12 के अंदर मिक्सिंग नहीं होगी, तो 1s हो गया, 1p हो गया, 1d, d के लिए मैंने बताया था 5/2 और 3/2 j की वैल्यू, तो 1d 5/2 और 1d 3/2, ठीक है, ये हो गया। अब दोबारा से 12, 2s, n = 0 के लिए 1 के लिए, n = 2 के लिए 2s 1/2, इसको क्या लिखेंगे, 2s 1/2। अब 12 लिख दिया, लेकिन ये 2s 1/2 इस तरीके से नहीं लिखेंगे। मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2s, इसको इधर लिख के बताते हैं एक बार। 11 तो लिख लिया हमने, जो 12 लिखा है, उस 12 का मतलब है 1d 5/2 और 1d 3/2 के बीच में क्या आएगा, 2s 1/2 आएगा। 1d 5/2 और 1d 3/2 के बीच में आएगा 2s 1/2। तो एक बार तो हमने 12 लिख दिया, किसके साथ, मिक्सिंग के साथ, हमें तो 3 बार 12 लिखना है। अब दोबारा 12 लिखेंगे, 1d हो गया, 1f 7/2, क्योंकि f के लिए l बराबर कितना होगा, 3 होगा, तो 3 + 1/2 यानी कि 6 + 1/2 7/2, 3 - 1/2 यानी कि 6 - 1/2 यानी कि 5/2। तो लेकिन मिक्सिंग होगी, 1f 5/2। अब 2s हो गया, तो 2p 3/2, 2p 1/2, दो वैल्यू आएंगी, 1f 7/2, 2p 3/2, 1f 5/2, 2p 1/2, ठीक है भाई। ये मिक्सिंग वाला 12 लिख दिया मैंने, एक सबसे पहले लिखा 1s 1/2, 1p 3/2, 1p 1/2, 11 कंप्लीट हो गया हमारा। हमें लिखना 12, 12 को किस तरीके से लिखना है, 2 + 1 यानी कि 2 बार मिक्सिंग और 1 बार मिक्सिंग नहीं। तो इसको मैं लिखूंगी, देखना, ये होगा, अब इसको लिखेंगे 1d 5/2, 2s 5/2, 1d 3/2, 1f 7/2, 2p 3/2, 1f 5/2 और 2p 1/2, इसको ये लिखना होगा। अब इसको ये लिखेंगे तो क्या होगा भाई, इसको 12 कंप्लीट। अब तीसरी बार क्या लिखना है हमारे, बिना मिक्सिंग के लिए 12, बिना मिक्सिंग के लिए 12 लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 1s हो गया, 1p हो गया, 1d हो गया, 1f हो गया, 1g 9/2, मिक्सिंग नहीं करनी, 1g 7/2। 12 में क्या हो गया, n = 1 के लिए हो गया, और 2 के लिए क्या लिखूंगी, 2s हो गया, 2p हो गया, हमें लिखना 2d, 2d 5/2, 2d 3/2, और फिर क्या होगा, 31 लिखना है, 3s 1/2 और 1h 11/2, 1h
9/2 इस तरीके से करके मैजिक नंबर देंगे। अब जो मैजिक नंबर होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा, ये किसकी वैल्यू है, जे की। इसको लिखेंगे हम 2j+1 से, यानी कि जे की वैल्यू रखेंगे जैसे ऑक्यूपेंसी कि इसके अंदर कौन से सबसेल के अंदर कितने न्यूक्लियोन आएंगे, ऑक्यूपेंसी दी जाएगी 2j+1 से। जैसे 1g 9/2 के अंदर कितने आएंगे, 2×9/2+1, 2 से 2 कैंसिल, 9+1 10, कितने न्यूक्लियोन्स आ सकते हैं, जी के अंदर 10 न्यूक्लियोन्स आ सकते हैं। इसी तरीके से 11/2 के लिए 2×11/2+1, 2 से 2 कैंसिल, 11+1 क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लिख देंगे ऑक्यूपेंसी को बताएंगे। अब जो अगली क्लास होगी हमारी, अगली क्लास के अंदर हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्राइंग करेंगे, बनाएंगे। और आज तो हमने सीख लिया एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाने की ट्रिक। ठीक है भाई, थैंक यू।